हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर करो। तो फाइनली आज मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। सो गाइज, मैं बहुत शॉर्ट में शेयर करूँगी, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा सब कुछ एडिटिव में बताने लग गई तो ये वीडियो एक घंटे की बन जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर गाइज आपको कुछ खाना है तो खा लो, क्योंकि ये वीडियो लंबी नहीं होगी, बट थोड़ी सी लंबी होगी। तो आप अपनी चाय कॉफी लेके आ जाओ, क्योंकि आई विल बी शेयरिंग माय प्रेगनेंसी स्टोरी विद यू। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। एटीन और अप्रैल को मुझे पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट। तो हमारा फैमिली डॉक्टर है मिस्टर राकेश गुप्ता, हु इज़ अ सीनियर हार्ट स्पेशलिस्ट एट मैक्स। तो उनकी वाइफ गाइनी है, तो मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप नेक्स्ट वीक मुझसे एक बार मिलने आ जाओ। तो हम लोग गए, उनसे मिले, उन्होंने मुझे चेक किया। शी सेड कि आपको 15-20 डेज बाद अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। तो इट वाज नॉर्मल फर्स्ट ट्रिमेस्टर, जो जैसे कि मेरे को, जैसे मुझे पता है गाइस कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर में काफ़ी लड़कियों को उल्टियाँ आना और मूड स्विंग्स होना, स्मेल चढ़ना और कुछ भी अच्छा नहीं लगना, कुछ भी खाया हुआ डाइजेस्ट नहीं होना, ये एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है जो 90% लड़कियों के साथ होती है। बट टचवुड, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फर्स्ट 3 मंथ आई वॉज परफेक्टली फाइन, ना मेरे साथ ना मुझे कोई उल्टी आई, ना मुझे कोई स्मेल चढ़ी। तो दैट टू वेरी गुड सिम्टम्स कि मेरी बॉडी इतना अच्छा सिम्टम्स दे रही थी। देन सेकेंड ट्रिमेस्टर में हमारी फैमिली में 2-2 शादियां थी, आरुषि की भी एंड हमारे मामा के बेटे की भी, जो मैंने आपके साथ शेयर करी हुई है क्लिप्स। अगर आपने नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाके दोनों की शादियां देख सकते हो, क्योंकि मैंने दोनों के व्लॉग बना के शेयर करे। तो फ्रॉम डे फर्स्ट गाइज, मेरे को यही था कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी करानी है, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ के ऑपरेशन हुए, वो काफ़ी ज़्यादा पेन रहता था पेट में। तो उनको देख देख के मुझे डर लगता था कि अगर मेरा भी ऑपरेशन हो गया तो सेम कंडीशन मेरे साथ ना हो जाए। तो मैं बेसिकली डॉक्टर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा टच में रहती थी और उनसे पूछती रहती थी कि क्या करूँ जो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो मुझे जो गायनी मिली वो बहुत बहुत अच्छी थी, उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प करी इस चीज़ पे कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो उन्होंने मुझे जैसे जैसे गाइड किया मैंने वैसे वैसे किया। सो गाइस, डे 1 से जब मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने वॉक स्टार्ट कर दी थी। इवन मैंने फर्स्ट ट्रिमेस्टर में भी 20-25 मिनट्स वॉक करी है, एंड देन सेकेंड ट्रिमेस्टर में आई स्टार्टेड वॉक फॉर 40-45 मिनट्स। तो ऐसे ही मैं बढ़ाती गई, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रही। 9 मंथ तक मैं अपने सैलून जाती थी, जब मुझे 9th मंथ लग गया था। इवन आरवी होने से 3-4 दिन पहले की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ अपलोड करी हुई है कि मैं गुड़गांव गई थी अपने हस्बैंड के साथ, वो जस्ट आरवी होने से 3 डेज पहले की, क्योंकि 25th इट्स क्रिसमस की वो वीडियो है और 28th को आरवी हो गई थी। तो आई वॉज परफेक्टली फाइन 7 मंथ तक, आई वॉज परफेक्टली फाइन। आरुषि की शादी में मैंने काफ़ी इन्जॉय किया, डांस किया और आपको साथ व्लॉग्स भी शेयर करे। तो गाइस, आरुषि की शादी के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन चली गई, एंड डाउन इन सेंस कि आरुषि की शादी वाले दिन मुझे 102 फीवर हो गया, एंड देन 15 डेज मैं फीवर में रही। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे डॉक्टर्स ने बोला था शायद करोना हो गया, तो हमने करोना का टेस्ट कराया, बट इट वॉज नॉट नॉर्मल वायरल, इट वॉज नॉट करोना। सो गाइज, उसके 15-20 डेज बाद 20 नवंबर को मैं नॉर्मल हुई, मेरे को बुखार नॉर्मल हुआ। देन मुझे पूरे बॉडी में खारिशों की प्रॉब्लम हो गई, एंड वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मुझे डॉक्टर्स के पास इमिजिएटली जाना पड़ा। तो डॉक्टर्स ने मुझे ये बात बोली कि आपका जो बेबी का प्रेशर है वो लीवर पे आ गया, और लीवर पे आने की वजह से आपका लीवर वर्क नहीं कर रहा है, एंड लीवर का नहीं वर्क करना एक बहुत ज़्यादा टेंशन की बात होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप प्रेग्नेंट हो और अगर आपका हाफ लीवर वर्क कर रहा है तो आपको एंड के जो 3 मंथ में बेबी को खाना देना था वो मैं नहीं दे पाई, क्योंकि जब लीवर वर्क ही नहीं कर रहा, जब मेरी बॉडी को डाइजेस्ट ही नहीं कर रही, मैं जो भी खाती थी वो वॉश आउट हो जाता था। तो डॉक्टर्स ने मुझे फुल मेडिकेशंस पे कर दिया कि आपको, एंड दे प्रिपेयर्ड मी फॉर ऑपरेशन। मुझे 8th मंथ में बोल दिया गया था कि आपकी मुश्किल है नॉर्मल डिलीवरी, टाइम से पहले आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा ताकि आपका लीवर डैमेज ना हो जाए।
एंड वी वर प्रेइंग लाइक कि प्लीज़ नॉर्मल हो जाए. तो मैंने तब भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी कि अब इस सिचुएशन में मैं क्या ऐसा करूँ कि मेरी नॉर्मल हो जाए. मैंने वॉक का टाइम बहुत बढ़ा दिया और एक्टिव रहने लग गई. जब मेरा 8.5 मंथ था तो आई गॉट हॉस्पिटलाइज बिकॉज मुझे एक रात में 40 times लूज मोशंस हुए थे एंड दैट टू आई एम 8.5 month प्रेगनेंट. तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात थी. तो डॉक्टर्स ने इमीडिएट बेसिस पे मुझे कहा कि इनको एडमिट करो. और उस टाइम पे आई थिंक मेरा 34th या 35th week था. तो दे आर वेटिंग फॉर 2 to 3 weeks मोर कि हम 2 से 3 हफ्ते बाद डिलीवरी कर देंगे एंड दैट टू ऑपरेशन. नॉर्मल डिलीवरी के मेरे कोई ऐसे चांसेस नहीं थे. एंड मैं भी एंड में आके थोड़ा सा जब मेरी तबीयत डाउन हो रही थी तो मैंने कहा कोई बात नहीं, भगवान का नाम लेके ऑपरेशन करा लेंगे, कोई बात, क्या पता उसमें भी कुछ अच्छा हो. 26th को मैं डॉक्टर से मिलने गई थी अपनी, 26th of December. मुझे मेरी डॉक्टर ने बोला कि गो फॉर अल्ट्रासाउंड. तो मैं अल्ट्रासाउंड करवाने गई 26th को एंड उन्होंने बोला कि आप आज ही कोरोना का टेस्ट भी करा लो क्योंकि नेक्स्ट आपका 37th week है एंड हम 37th week में ऑपरेशन करके बेबी कर देंगे. सो जिस डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया था मैंने उससे पूछा कि बेबी का जो मुंह है वो नीचे की साइड आ गया है. तो शी सेड कि अभी 1 week लगेगा, अभी नहीं आया, तो नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा. फुली प्रिपेयर्ड कि 1st to 10th January के बीच में ये मेरा ऑपरेशन कर देंगे और मेरी अब नॉर्मल नहीं हो सकती. तो उसी दिन हमने कोरोना टेस्ट भी करा लिया. देन 27th को मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई एंड सेम वे जो मेरे साथ हुआ था वो मेरे हस्बैंड के साथ हुआ. एंड हमें इतनी ज़्यादा टेंशन होगी कि ये हो क्या रहा है, इसके बाद एक सबकी तबीयत ख़राब हो रही है. मैंने अपने हस्बैंड को भेजा कि तुम जाके थोड़ा सा मेडिसिन ले आओ. तो वो गए तो मुझे उम्मीद थी कि वो एडमिट करेंगे बट उन्होंने इंजेक्शन लगा के वापस भेज दिया. एंड इंजेक्शन भी दैट टू उन्होंने जो इंजेक्शन लगता है उसमें नींद बहुत आती है. तो मेरे हस्बैंड तो आके सो गए एंड रात के 3 बजे क्योंकि उस ड्यूरेशन में जब मुझे ये समझ आ गया था कि अब मेरा ऑपरेशन होगा मैंने वॉक का टाइमिंग्स और बढ़ा दिए थे कि नॉर्मल हो जाए नॉर्मल हो जाए नॉर्मल हो जाए. रात को मुझे हल्के हल्के पेन स्टार्ट हो गए एंड पेन, इट्स माय फर्स्ट डिलीवरी तो मुझे नहीं पता था कि पेन कैसे होते हैं. 3 o'clock से मुझे पेन हुए तो मैंने 5:30 तक पेन बेयर किया क्योंकि मुझे लगा नॉर्मल पेन है. बट जब वो थोड़ा सा बढ़ने लग गया तो मुझे ऐसा लगने लग गया कि शायद ये लेबर पेन ही है क्योंकि वो थोड़े थोड़े इंटरवल्स में होता है, फ्रैक्शंस होती हैं आपके पेट में. आपको समझ जाना चाहिए कि आपको आपको लेबर पेन शुरू हो गए हैं. तो मैंने अपने हस्बैंड को 6 o'clock उठाया, मैंने बोला कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है. तो एंड जिस तरीके से मैं मतलब पेट पकड़ के ऐसे चिल्ला रही थी तो मेरे हस्बैंड तो समझ गए कि लेबर पेन है. तो उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को उठाया, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है. एंड द फन पार्ट वॉज दैट कि मेरी मदर इन लॉ को लगा कि इंजेक्शन ये लगवा के आया तो तबीयत उसकी क्यों ख़राब हुई है, तबीयत तो इसकी ख़राब होनी चाहिए. तो उनको नींद में समझ नहीं आया कि वो ये कह रहे हैं कि उसको लेबर पेन शुरू हो गई है. तो वो उठी हैं एकदम से बड़ी हैरानी से. तो वो कहती हैं मुझे तो समझ ही नहीं आया ये हो क्या रहा है. देन उन्होंने मुझे उस टाइम पे मतलब उनको भी डाउट हुआ कि ये लेबर पेन ही है जिस तरीके से दर्दें हो रही हैं. तो उन्होंने मुझे गुड़ और अजवाइन बना के दिया था. आई रिमेम्बर कि हॉस्पिटल जाने से पहले गुड़ और अजवाइन का एक सिरा सा बना के दिया था कि ये पूरा खा जा ताकि भगवान करे नॉर्मली हो, वो ऑपरेशन ना करें. मैंने खाया एंड वी वेंट टू हॉस्पिटल. हम हॉस्पिटल गए तो ऑब्वियसली मेरी गायनी अवेलेबल नहीं थी, उनका टाइमिंग था 10:30 आने का. तो वहाँ पे ऑल्टरनेट डॉक्टर अवेलेबल थे तो उन्होंने बोला कि आई विल चेक. तो उन्होंने चेक किया तो दे सेड कि ये इनको लेबर पेन है. तो हम मतलब मे बी 6 to 7 hours में बेबी हो जाएगा. तो ऑब्वियसली सारे बहुत खुश हुए एंड देन मुझे ऊपर रूम में ले गए. और मुझे मतलब उस टाइम पे ड्यू टू कोरोना जो रूम्स थे उनके वहाँ पे आपका जो आपके जो फैमिली मेम्बर हैं वो अलाउ नहीं थे. 9 o'clock मुझे उन्होंने ब्रेकफास्ट दिया खाने के लिए एंड आई वॉज प्रिटी फाइन. 9 o'clock तक जो मेरे को पेन हो रहा था वो बहुत ज़्यादा बियरेबल था. तो मैं आराम से बैठ के खा रही थी वहाँ पे. आई वॉज़ हैविंग ब्रेड एंड टी. आफ्टर हाफ एन आवर आई वॉज सिटिंग एंड मेरी गायनी आई एंड शी सेड कि यू आर तो परफेक्टली फाइन. तो लेबर पेन कैसे हो सकता है क्योंकि मैं चिल्ला नहीं रही थी. तो ऑब्वियसली पहली डिलीवरी थी तो थोड़ा सा डर लग रहा था चिल्लाने में इतने लोगों के आगे.
तो उन्होंने मुझे चेक किया, उन्होंने कहा हाँ लेबर पेन ही है। मुझे थोड़े से इंजेक्शन्स लगाए गए, आई डोंट नो किस चीज़ के इंजेक्शन से, मे बी पेन बढ़ाने के होंगे। तो उसके 1 आवर बाद मेरा जो पेन था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब मैं डरा नहीं रही हूँ आप लोगों को अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाओ, बट नॉर्मल डिलीवरी का जो लास्ट का 1 आवर का पेन होता है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है, बहुत ज़्यादा गंदा होता है। मतलब ऑब्वियसली आज भी वो याद आता है तो कहीं ना कहीं आंखों में आंसू आ जाते हैं कि भगवान की कृपा है मुझ पर कि मैंने वो दर्द सहे। तो 1 o'clock तक आई वॉज शाउटिंग, 12 to 1 o'clock आई स्टार्ट शाउटिंग कि मेरा ऑपरेशन कर दो। डॉक्टर्स जो मेरी हेड डॉक्टर्स थे वहाँ के, एंड दे नो कि ये फर्स्ट डे से नॉर्मल करना चाहती थी तो अब इसकी नॉर्मल हो सकती है, तो वाई इज शी शाउटिंग। तो दे कॉल माई हस्बैंड सीनियर डॉक्टर एंड उन्होंने बोला कि हम इसकी नॉर्मल करने को रेडी हैं, बट आपकी जो वाइफ है मे बी उनसे शायद दर्द बियर नहीं हो रहा है, तो वो वहाँ पे चिल्ला रही है कि मेरी ऑपरेशन कर दो। मेरे हस्बैंड को भेजा गया अंदर और उनको बोला गया कि आप अपनी वाइफ को समझाओ। मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने मुझे ये बोला कि अगर हाफ एन आवर तू और थोड़ा सा दर्द सह ले, अगर इसके बाद नहीं सहा जाएगा तो मैं ऑपरेशन करवा दूंगा, कोई नहीं इतना दर्द मत सह। तो उनके कहने पे ऑब्वियसली मैंने हाफ एन आवर का वेट किया, बहुत ज़्यादा दर्द था, बट स्टिल आई नो कि मेरे हस्बैंड भी चाहते थे कि नॉर्मल हो जाए ताकि इन फ्यूचर मैं बेड पे ना पड़ूँ या मेरे स्टिचेस ना लगें। तो फॉर हिम मैंने हाफ एन आवर का वेट किया। तो हाफ एन आवर बाद वहाँ पे एक नर्स आई, इट वॉज़ लाइक नियर अबाउट 12:30 एंड वो नर्स शायद मेरे लिए भगवान बन के आई थी, एंड शी टोल्ड मी कि आपको ना ज़मीन पे बैठ के ना पूरे फ्लोर पे चलना है, गोडे के बल बैठ के पूरे फ्लोर पे चलना है। एंड मेरा ड्यू, आपको पता है आरबी के टाइम ज़्यादा पेट नहीं आया था और ज़्यादा मैंने वेट गेन नहीं किया था, तो दैट वाज इजी फॉर मी, और मैं ऑब्वियसली इतना जिमिंग करती हूँ। तो उन्होंने बोला जब भी आपको कंट्रैक्शन होगी ना आप नीचे बैठ जाना, देन नॉर्मल हो जाएगा, देन आप जितना पुश करते हो उस टाइम पे, जितना आप पुश करते हो उतनी जल्दी आपका बेबी होता है। ये चीज़ दर्द में समझ नहीं आती, बट मैंने कोशिश की कि ये शायद भगवान बन के आई है मेरे को समझाने। तो उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा इंकरेज किया कि पुश करो, नीचे बैठो, चलो, एंड मैंने भी किया उनके कहने के साथ साथ मैंने भी किया। एंड ट्रस्ट मी विद इन हाफ एन आवर उन्होंने अपनी टीम को कॉल कर लिया कि बेबी का मुंह आ गया है बाहर, आप आ जाइए, एंड 15 मिनट्स के अंदर अंदर आरबी हो गई। तो जो लास्ट का 1 आवर था इट वॉज सो मच पथेटिक, मतलब बहुत गंदा पेन होता है, लेकिन गाइज ट्रस्ट मी उसके बाद आपको कोई पेन नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, आपको किसी चीज़ के लिए मना नहीं होता, आपको डाइट में कुछ मना नहीं होता, आप एक नॉर्मल लाइफ जीते हो। आपको जस्ट आरबी होते ही, जब हाफ एन आवर बाद मुझे होश आया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हो गया एंड आई एम वेरी नॉर्मल, ना मुझे कोई दर्द, ना ही मुझे कुछ, मतलब ऐसा लगा कि मैं कोई एक जंग लड़के आई हूँ, मतलब एवरीथिंग वॉज फाइन। तो जब वो हो गया तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नॉर्मल डिलीवरी इज़ वेरी गुड। सो गाइज मैं आपको भी गाइड करूँगी, अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है या आपने कंसीव किया है तो गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी गाइज। ट्रस्ट मी 6 to 7 hours का जो पेन है आपको सारी उम्र का चैन देके जाता है। ये हमारे बड़े बुजुर्ग हमें पहले दिन से समझाते हैं जब हम माँ बनने वाले होते हैं, बट उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है दुनिया ऑपरेशन करवा रही है तो मैं क्यों दर्द सहूँ। आपको डॉक्टर्स जितना मर्जी ये बात समझा दें कि ऑपरेशन के बाद भी कुछ नहीं होगा, बट ऑपरेशन इज़ ऑपरेशन। हाँ बहुत दर्द होता है, बट उस टाइम पे ये बात सच है कि भगवान हमें हिम्मत देता है वो दर्द सहने की। एक बच्चे को जन्म देने की दर्द जो है वो एक माँ ही सह सकती है, और वो भगवान हमें देता है इतनी हिम्मत। हमें कहते हैं ना उस समय भगवान आके साथ बैठ जाते हैं, सो गाइज ये बात फैक्ट है कि भगवान किसी ना किसी रूप में आके आपको हिम्मत देते हैं और वो आपके साथ रहते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी जो मेरी डॉक्टर थी वो मेरे लिए भगवान बन के आई थी, बिकॉज आई वॉज लाइक शाउटिंग कि मेरी ऑपरेशन करो, शी
रियलाइज्ड, शी मेक मी रियलाइज्ड कि बेटा नॉर्मल हो सकती है, जस्ट वेट फॉर 1 आवर. और मेरे हस्बैंड को भी उन्होंने भेजा, नहीं तो कोई डॉक्टर इतना कंसर्न नहीं लेता. उनको है कि अगर ऑपरेशन करना है मान लो तो 15 मिनट का काम है, बट उन्होंने मेरे लिए बहुत पेन लिया. एंड जब बेबी हो गया तो आई रिमेम्बर उस टाइम पे उन्होंने मेरे कान में बोला था कि देख तूने मुझे नॉर्मल करने को बोला था और मैंने नॉर्मल किया. सो गाइज, मेरी माने तो डॉक्टर वो ले जो सच में आपके लिए पेन ले. डॉक्टर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए तो आपकी डिलीवरी की स्टोरी भी बहुत अच्छी होगी. सो गाइज, दिस इज माई स्टोरी. आपको मेरी डिलीवरी की जो स्टोरी है वो पसंद आई है तो गाइज मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना. सो गाइज.